हमारे गुरु प्रशिक्षक जो है साक्षी, मैं दूसरी बार इस शिविर में भाग लिया हूँ। 9 अप्रैल से 14 अप्रैल वाले में भी था और फिर मैंने सोचा भी था कि साल में 2 बार 3 बार जरूर सौभाग्यता रहेगी। तो मैं तो बचपन से ही आसन एक्सरसाइज वगैरह करता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी पहलवान तो चाहते थे कि पढ़े चाहे न पढ़े, ये कुश्ती लड़े खेले कूदे स्वस्थ रहे। बट यहाँ आकर के मैंने देखा जो सिस्टमेटिक ढंग से, जिस वैज्ञानिक ढंग से मुकेश जी ने योगा का प्रशिक्षण दिया, शर्मा जी ने जो शारीरिक शिक्षा संबंधी जो अपना विचार दिया, मैं 1995 से ये कपाल भाती और अनुलोम विलोम करता हूँ और 1000 बार करता था कपाल भाती और 15 मिनट घड़ी से करता था अनुलोम विलोम। लेकिन यहाँ आकर लगा कि मैं एकदम गलत करता था, टीवी पर देखकर रामदेव जी का करता था। तो हमको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हार्ट में ब्लॉकिंग, जबकि मुझे आज तक कोई उसका के बारे में कुछ हमको पता नहीं चला कि मेरे मुझे कुछ है। बट लाइक आदित्य बिरला मेमोरियल अस्पताल पूना में वो बड़ा बना है, उसमें मेरी भांजी डायरेक्टर है, तो जबरदस्ती लेकिन चलिए मामा हम आपका पूरा जांच करा देते हैं स्वास्थ्य, उसमें ब्लॉकिंग नहीं करते। तो मैं आया यहाँ, अनुराग जी चूँकि हम लोगों के क्षेत्र के रहने वाले हैं गोरखपुर साइड के, उन्होंने बड़ी अच्छी राय दिया कि नहीं आप यहाँ आए और यहाँ बहुत कुछ समाधान होगा। तो उस बार भी और इस बार तो जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अभी 1 महीना पहले मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा था, 8 पॉइंट था यूरिक एसिड और अभी 5 के लगभग है। तो मुझे तो लगता है कि इतना बड़ा शायद कोई इंजेक्शन भी कोई लाभ नहीं देगा जितना यहाँ के योग और प्राणायाम से लाभ मिला है। और मैं यहाँ के पूरे इस परिवार को, संस्था के सारे परिवार को, अपन मित्र मंडली को मैं जरूर ये अपना राय देना चाहूँगा कि जब कभी साल में 2 बार मौका मिले तो जरूर इस शिविर में भाग लेना चाहिए। और मैं गुप्ता जी से और दत्ता जी से विशेष निवेदन करूँगा कि जो पूर्व छात्र हम लोग आपके छात्र ही होकर जा रहे हैं तो कम से कम उनको कुछ शुल्क में जरूर का आप कंसेशन देने का कष्ट करें। क्योंकि मैंने तो आपसे कहा ही था कि मैं साल में 3-4 बार निश्चित रूप से इसमें आया करूँगा, तो जरूर हम लोग कुछ शुल्क में आप जैन साहब से हमारी तरफ से निवेदन करेंगे, जरूर हम लोग कुछ रियायत करें ताकि और लोगों को मैं प्रेरणा दे सकूँ। हम लोग मैंने एक अपने रिश्तेदार को लाया, हमारे साथ 5-6 लोग आने को तैयार थे, लेकिन मैं 1.5 महीना पहले चला आया, पुना गया था, फिर वहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह वगैरह दर्शन करके आया, तो इसीलिए वो लोग नहीं आए पाए। तो 6-7 लोग मेरे साथ तैयार थे और हो सकता है कि भविष्य में वो मेरे साथ लोग आए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संस्था खूब फले फूले और जिन लोग भी यहाँ आते हैं, जिस आशा और विश्वास के साथ आते हैं, उनकी आशाएं और विश्वास पूरा हो। धन्यवाद। जय हिंद।